सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्रा भैया। सो हेलो गाइस, आप सभी के बीच में काफी जल्द तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की। पहली फिल्म स्त्री 2, दूसरी फिल्म वेदा, तीसरी फिल्म खेल खेल में। और दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों ही फिल्में अपने अपने लेवल पे काफी अच्छी फिल्म है। पर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इन फिल्मों ने अभी तक कितने करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया। उसके पहले अगर आप स्त्री 2, वेदा या फिर दोस्तों खेल खेल में मूवी के फैन है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप पहली फिल्म किसको देखने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ, पर उसके पहले आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म स्त्री 2 की, तो आप सभी को पता है कि ये फिल्म एक कॉमेडी हॉरर जर्नी फिल्म है, जो कि दोस्तों स्त्री 1 का ही पार्ट बनाया गया है। और दोस्तों इस फिल्म से लिंक करा जाएगा मुंजिया फिल्म, भेड़िया फिल्म और दोस्तों अक्षय कुमार और वरुण धवन का भी इस फिल्म के अंदर कैमियो बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म वेदा की, तो ये मूवी एक मास एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर दोस्तों आपको मेन विलन में अभिषेक बनर्जी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको अभी भी जात पात और दोस्तों ऊंच नीच बताई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बढ़े हमारी आखिरी फिल्म की तरफ, तो यह है दोस्तों खेल खेल में। दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको कॉमेडी जर्नी फ्रेंडशिप बताई जाएगी, जिसकी दोस्तों पूरी कहानी एक फोन के इर्द गिर्द घूमती है। कुल मिला के कहूँ तो इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक व्यक्ति अपने फोन के अंदर क्या क्या छुपा के रख सकता है। तो दोस्तों तीनों ही फिल्म अपनी जगह पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मूवी की अपडेट्स की तरफ। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले फिल्म स्त्री 2 की, तो दोस्तों ये फिल्म एक कॉमेडी हॉरर जर्नी फिल्म है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मजा दिलाने वाले हैं राजकुमार राव। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म श्रद्धा कपूर की वजह से चल रही है, तो सॉरी आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि अगर राजकुमार राव को आप देखेंगे तो बंदे ने केवल अपने टैलेंट और अपनी एक्टिंग से पूरी फिल्म को घेर के रख लिया। उसके ऊपर दोस्तों सोने पे सुहागा, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी जैसे और भी कई सारे शानदार और दमदार कलाकार। वहीं पर दोस्तों सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि जो मूवी का बजट है वो लगभग 50 करोड़ रुपए है। और दोस्तों मूवी को हम सभी के बीच में 14 अगस्त को ही रिलीज कर दिया जाएगा। पहले ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। अब अगर हम बढ़े कि स्त्री 2 ने अभी तक कितने करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म ने अभी तक हम सभी के बीच में 1,58,000 टिकटें सेल कर दी है, जिससे दोस्तों इस फिल्म को सोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं 5,384 सोज। और दोस्तों फिल्म का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 5,52,00,000 रुपए हो चुका है। यानी कि दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इस महीने ये फिल्म काफी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, और क्रिटिक के हिसाब से ये फिल्म 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग अपने पहले दिन में लेगी। तो दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है कमेंट जरूर करिएगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म वेदा की, तो दोस्तों 15 अगस्त को रिलीज होने वाली ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको जॉन अब्राहम, सरवरी, अभिषेक बनर्जी और तमन्ना जैसे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर काम करते हुए नजर आएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के अंदर आपको जॉन अब्राहम एक फौजी के रूप में नजर आने वाले हैं, जो कि शायद से रिटायर हो गए हैं। वहीं पर दोस्तों सरवरी इस फिल्म के अंदर आपको एक गाँव की लेडी नजर आएगी। दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जात पात और ऊंच नीच की बातें भी बताई जाएगी। आखिरकार इस फिल्म को डायरेक्ट करा है निखिल अडवाणी ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है मनीष अडवाणी ने। तो वेदा मूवी का बजट भी 50 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। फिल्म के एक्शन दमदार है, फिल्म के डायलॉग दमदार है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि फिल्म का एडवांस बुकिंग भी दमदार है या फिर नहीं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस फिल्म ने हम सभी के बीच में टिकट सेल से वो लगभग 6,900 टिकटें सेल कर दी है। वहीं पे इस फिल्म को सोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं लगभग 1900 और मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 20 लाख रुपए के आसपास का हो चुका है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। पर दोस्तों यहां पर अभी इस फिल्म के पास में और भी समय बाकी है, और दोस्तों आने वाले समय में ये फिल्म और भी अच्छा एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लेगी। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें हमारी आखिरी फिल्म की, तो दोस्तों ये फिल्म है खेल खेल में। और दोस्तों खेल खेल में ये फिल्म सभी फिल्मों से काफी ज्यादा पीछे चल रही है। दोस्तों आखिरकार ये फिल्म एक फ्रेंडशिप कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के
में आपको अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, एमी वर्क, फरीद खान जैसे और भी कई सारे दिग्गज कलाकार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये फिल्म पूरी की पूरी मेन लीड के ऊपर बनाई गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करा है मुदस्सर अजीज ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है भूषण कुमार ने। मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों बात करी जाए कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग में कमाल कर रही है या फिर नहीं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जी हाँ, ये फिल्म एडवांस बुकिंग में कुछ भी कमाल नहीं कर रही, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म ने पिछले अपने 30 घंटों में केवल 2900 टिकटें ही सेल करी है, जिससे इस फिल्म के शोज देखने के लिए मिल रहे हैं 843 शोज। और वहीं पर इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 12,48,000 रुपये का देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं वेदा फिल्म और दोस्तों स्त्री 2 फिल्म खेल खेल पे मूवी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है? अगर आप इन तीनों में से किसी एक फिल्म को देखने जाने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।